थिंग इज दैट हम लोग एक्चुअली मिलकर वी ऑन टॉक टू यू द रेड्स द नाइनर्स एंड वेंडेटा अबाउट तुम्हारा लाइक आइडियोलॉजी बिहाइंड दैट ग्रेपसीड होल्ड, बिकॉज जो उसके पहले मीटिंग हुआ था सब फैमिली ने मिलकर एक ही चीज़ डिसाइड किया कि कोई कोई जगह होल्ड नहीं करेगा, और अगर होल्ड भी कर रहा है दे वुड अलाउ फ्री एक्सेस टू एवरी फैमिली. तो दैट्स व्हाई हम वी थॉट दैट कि इंस्टेड ऑफ बिना ठीक है ये लोग होल्ड कर रहे हैं एंड ऑल दैट, जस्ट टू गेट टू नो फ्रॉम यू गाइज कि ये क्यों हो रहा है एंड वॉट इज द थिंग. यार हाँ बट एक बात बताओ, हाँ मिस्टर क्या नाम है आपका, पैट्रिक पैट्रिक यार. पैट्रिक, किसी को प्रॉब्लम होता तो आके बात करते ना यार, किसी ने बात ही नहीं की, क्या सीन है ये? बिकॉज यू गाइज डिसाइड टू होल्ड इट विदाउट टॉकिंग टू एनीवन एल्स, सो वो दैट्स तो व्हाई आके दैट्स बात करते व्हाई हैं ना, इफ यू आर कुछ सीन डूइंग होता है तो समथिंग यू आर समझाते नॉट हैं। गोना गो टू ईच एंड एवरीवन एंड टेल देम दैट वी आर डूइंग एक दिस. बात बताओ, तुम लोग जब साइफरिस होल्ड कर रहे थे तब हमने आके तुमसे बात की थी कि नहीं? हमने आके तुम लोगों से बात किया था नहीं, बाद में हम आए थे, दैट लेटर, बट जिस दिन वी वी होल्ड गेट चालू हुआ था ना, उससे उसके दि, उसी दिन हम आए थे शाम और को। जिससे होल्ड बाबा चालू हुआ उसके एक दिन पहले वी केम एंड स्पोक टू यू गाइस दैट वी आर प्लानिंग टू डू दैट. बाबा, बात वो नहीं है, बात ये है कि कितनी फैमिलीज ऐसी हैं जो वहाँ रेगुलर बेसिस पे रहती थी और जो पीडी की हिट ले रही थी इतने पॉइंट टाइम. अबाउट लेटिंग एवरीवन नो, सी हमने उनको ही बताया जो ग्रेप सीड में हुआ थे, जिनका कोई लेना देना नहीं है ग्रेप सीड में, दोस पीपल डजंट कम टू ग्रेप सीड, देन क्यों इशू है उनका? एंड वही लाइक द गाइज हु यू स्टॉप्ड उनको दिक्कत थी, दैट्स व्हाई दे रेज दैट थिंग विद एवरी तो फैमिली. उनको बोलने तो दो, सीधा आके उन्हें हमसे बोलने बात दो करती ना, ना. हम नो दे सॉल्यूशन उन्हें देते। बोलने दो सॉल्यूशन. एमजी के चेतन, एमजी के चेतन आ था, चेतन आया था, उसको पूरी सिचुएशन समझाई थी, पूछो बुला के आगे लाओ, क्या बोला था उसे हमने? नहीं शाउट 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 पर्टिकुलर पर्टिकुलर पर्टिकुलरली लाइक बोला ये गया था कि थोड़ा सा लाइक कचरा साफ करना है, क्योंकि पीए को स्निचेस बहुत हो गए हैं, सेकेंडली पीडी की हीट बहुत ज़्यादा आ रही है, बाकी लोग जो है मतलब पीडी की हीट को काइंड ऑफ हैंडल नहीं कर पा रहे, हम जब करते तो वो टाइम पे पीडी की हीट काफ़ी ज़्यादा रहती है, तो वो बेसिस के ऊपर लाइक इन लोगों ने ऐसा काइंड ऑफ डिसाइड किया था, लाइक दिस वॉज वॉट कन्वेड, एम आई राइट? एटलीस्ट अ लॉट ऑफ पीपल हियर, आई मीन इफ यू गाइज वॉन्ट टू कम अप फ्रंट जिन्होंने अग्री किया, इफ यू डोंट कम अप फ्रंट जिन्होंने अग्री किया दैट इज कम्प्लीटली फाइन, बट उस मीटिंग में जिन्होंने अग्री किया दे वर लाइक फॉर होल्डिंग सी एज ऑफ नाउ दे डोंट वॉन्ट एनी फैमिली टू होल्ड एनी थिंग. अगर होल्ड कर रहे हो अलाउ इट फॉर फैमिलीज, अलाउ फैमिली टू डू वॉट एवर दे वॉन्ट. ठीक है, ये बताओ कि कौन कौन सी फैमिलीज है जो रेगुलर ग्रेप सीड आती है प्लांट कौन करने, सी कौन फैमिली है जिनको इश्यू है वो बात करने आई है और जब जो हमने रेगुलर होल्डिंग आती स्टार्ट है? किया है, हाँ तब सबसे कौन 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 सी आई है? फैमिली बात करने मैं आई? ज्यादा था एक्चुअली प्लांट करने, पैट्रिक हम लोग हम लोग थे जो प्लांट आगे आ के जाओ, आगे जाके आ गए. जाओ, जो बोल रहे हैं ना अबे आगे आ जाओ और एनएल प्लीज जी हमको शाउट एक ही करना. बार दिखी है आज तक लाइफ में नहीं उधर, नहीं तुम्हारा सीरियसली वेंडेटा का ब्रदर, कार्डू है? कार्डू हाँ सीरियसली है, ब्रदर हाँ, तो उससे हाँ पूछो है, मैं हमारे जाता था क्या? नहीं वीट हमने डिफेंड किए थे जब तुम्हारा वो नहीं थे बंदे, देखो मैं उस टाइम में प्लांट ही नहीं करता था, मैं एकदम रात को प्लान करता था जब हमारा एमजी और वीट, हम लोग प्लांट देखो करते ये मत थे। बोलो कि हमारा वीट तुम लोग डिफेंड करते थे, क्योंकि हमारा वीट जब प्लांट होता था वी यूज्ड टू स्टिक अराउंड देयर एंड हार्वेस्ट एट द सेम टाइम, तो हमारा वीट तुम लोग ने डिफेंड नहीं किया है. अच्छा 1 लाख रुपए बाउंटी किसने दी थी पीडी को मारने के लिए? तुम्हारा वीट भाई बता वो सब हमने पहले तो ओके क्या काम कर रहा है सो अगर नहीं रुको रुको अगर अगर पॉल देखो वो बोलना भाई, है तो मैं वैसे भी बोल सकता हूँ कि तुम लोग ने वो डिफेंड करने की कोशिश किया, तुम लोग होल्ड करने के बाद वो सीज हुआ है, बट आई एम नॉट गेटिंग पर्सनल आउट हियर, आई एम नॉट पुशिंग टॉन्स आउट, आई एम ट्राइंग टू कम टू अ कंक्लूजन जाकि दैट्स आवर सारे कंसर्न राइट, दैट्स आवर कंसर्न नो सो द थिंग नो दैट इज एवरीवनस कंसर्न इफ सीज नहीं हुआ है, सुनो सुनो नो सीज वजह से हुआ है चीको क्योंकि मेयर वहां गया चीको था, मैं सुनो बोल रहा सुनो हूँ कि अगर वो ऐसे लाइंस मार रहा है कि गिव अस अ बाउंटी टू सिक्योर आर वीडर अम्ब्रेलो, क्योंकि वो टाइम हमारे बंदे कम थे, इफ यू वांट टू पास दोज लाइंस देन आई विल आल्सो पासिंग गो दोज पॉइंट लाइंस जस्ट बिकॉज़ यू फार्म योर वीट एट योर ओन हाउस, नो नॉट ऑल ऑफ अस, डोंट कम टू ग्रेप सीड, नॉट ऑल ऑफ अस, ईवो जाता है ग्रेप नो सीड. नोप नोप तुम्हारे एक बंदा नहीं लिखा गया अब तीन बार एक जाता है नहीं उसने भाई, इन सब उसने का नहीं ना सब जाता उसने है, अकेले हो दिखता है कौन नहीं रुको दिखता है। अकेले हो तुम अकेले हो अकेले हो एज़न और कोई फैमिली है गाइस जो उगाती हो अदर फैमिलीज दैट दैट प्लान देयर हैव अ फिर प्रॉब्लम विल आगे कम अहेड, आगे डोंट आओ ना डोंट टेक इफ यू आगे ऑल जाओ फिर राइट नाउ इज द टाइम टू टॉक अबाउट इट, इफ यू डोंट टॉक अबाउट इट राइट नाउ देन देयर इज नो पॉइंट ऑफ दिस मीटिंग, जस्ट सेइंग. देखो जो पीछे खड़ा है ठीक है, तो वी आर कंसीडरिंग कि वो लोगों को कोई लेना देना नहीं है ना वो उगाते हैं राइट, कोई इशू है आ गया पॉइंट रखो अपना सिंपल ब्रो आ गया मेरा ये पॉइंट है. ओके ओके मेरा एक सिंपल सा पॉइंट है कि कल को आ गए पलीटो में या किसी और लोकेशन पे वीड उगना बंद हो जाता है और सिर्फ ग्रेप सीड में होता है और मैं कल को जाऊं पर वहां पर ग्रेप सीड में उगाने के लिए तो डू आई नीड टू सीक योर परमिशन? आई वुड नॉट सर, एटलीस्ट यू विल कम टू टॉक राइट, यू वोंट कम टू फायर अरे गन्स तुम राइट, व्हाई वुड आई फायर गन्स, मैं तो वहां सीट्स लेके जा रहा हूं बट वहां पे हम लोग ग्रो तुम कर रहे आओगे हैं ना तुम बहुत बात टाइम करोगे से. राइट
जब बात करोगे विल कम टू अ डील राइट समथिंग होल्ड कर रहे हो ये होल्ड होल्ड करना क्या होता है ब्रो वही तो कह रहा हूं मैं और ये मत बोलना हीट वाली बात ना हीट वाली बात मत बोलना मेरे से क्योंकि कुछ लोग आए थे ये बोलने अरे कुछ हीट होल्ड नहीं कर सकते आप मैं आपको फैक्ट बताता हूं पीआर पे हीट आई ना तो प्लेटो बेचने आ गए आप लोग ठीक है तो ये तो मत बोलो कि हीट होल्ड कर सकते सुनो सुनो एक सेकंड सेलिंग एरिया साहब पे लाउड है अरे सब कौन डाउन हुआ एक सेकंड मैं बता रहा हूं हीट हमें देखनी है ना तो हम लोग बहुत बार देख चुके हैं और हम बहुत बार उसको कर भी चुके हैं सॉर्ट आउट हमें हीट की दिक्कत नहीं है हम जितनी चाहे प्लेटो वैसे पब्लिक एरिया है तुम्हारा एरिया भी नहीं तो हां तो ग्रेप सीड कहां से प्राइवेट एरिया हो गया भाई जी प्राइवेट तो कब्जा हुआ ना उस पे कब्जा हो गया ना कब्जा हुआ ठीक है पॉल जस्ट लाइक लेट आउट 10 फैमिली आके मार के जाएंगी कुत्ते की तरह फेंक के जाएंगी ये बोल के कहते लोग पलीटो पे नाउ दे टॉकिंग वो बोला था एक सेकंड वो कब बोला था दर्दा ना वर्ड अरे वो आज बोला 10 साल पहले बोला बोला कब था एग्जैक्टली टाइम बता के बोल कब बोला अरे भाई मैं क्यों बताऊं तेरे को टाइम तेरे को पता नहीं कब बोला था जो जिनको उगानी है आगे आके कि हाँ भाई ग्रेप सीड हमको भी उगानी है आओ बात करो वी कैन गो फॉर अ गुड डील एमजीआईटी बात करने करोगे तो ही बात आगे अच्छा आंसर दिया चेतन भाई कुछ गलत लगा आपको मावा मैं इसका बताना चाहूंगा सर एक सेकंड आंसर जो है मेरे को तो मतलब मावा टू बी ऑनेस्ट मेरे को तो यही बोला गया था कि 10 दिन तक मना है 10 दिन के बाद में देखेंगे जो क्या करना है इनोसेंस बुलेवार्ड पे हुआ था इनोसेंस बुलेवार्ड पे वी इनिशिएटेड इवन विद फैमिलीज टू चार्ज देम टैक्स फॉर सेलिंग एवरी फैमिली वाज अगेंस्ट इट इसलिए वी ड्रॉप्ड दैट आइडिया एंड वी ओपन इट टू एवरी फैमिली बिकॉज एवरी फैमिली वाज अगेंस्ट इट दैट्स द थिंग We are looking at all growing together, all being on one page. Wo time we let go of selling, so that's the thing. We are expecting you guys to drop that and allow it for family. Simple. What we all want to say is, यहाँ पे देखो, you guys formed a group of three. वहाँ पे what we want. अगर कोई तुम लोग decide कर लो, एक बंदा वहाँ पे करेगा, फिर एक family करेगी. We are all okay with it. हम लोग सारे बात कर लेंगे, जिनसे भी deal चाहिए करने. Now the thing is कि अगर groupism हो रहा है, तो तुम ये भी सोचो कि यहाँ पे जितने भी gangs हैं. वो लोग अगर उठ के अगर ग्रुपिज्म करके आ गए ये ग्रुपिज्म नहीं है ये वो लोग डिफेंड कर रहे हैं जो तीन फैमिली बार बोल कर रहे हैं तो कर लो ना सुनो मैं बताऊं मैं दो तीन बार हीट लिए उस जगह पे मार्शल लॉ पे भी बात सुन लो भाइयों बात सुन लो मेरी जान बात सुन लो यार अब सपोज ठीक है तुम लोगों को ग्रुपिज्म नहीं लग रहा है मैं समझता हूं बट एट द एंड ऑफ द डे अगर इन लोगों को ग्रुपिज्म लग रहा है ना आगे जाके वो लोग कहेंगे तुम डिसाइड नहीं कर पाओगे समझ रहे हो और बहुत केओस हो जाएगा एंड इन सब में चीजों में बहुत सारी चीजें आ जाएंगी पीडी के आगे एंड बहुत सारे सिविलियंस इसका फायदा उठाएंगे गेट दिस पीडी के आगे बहुत सारी चीजें ऑलरेडी आ चुकी है भाई पीडी को सब पता है ठीक है पीडी को सब पता है स्निच वाले गोल्ड स्टार्ट इसके बाद हुआ स्निच हुआ है बट गाइस जो इस चीज से स्निच रुक सकता है प्रॉब्लम तुमको हम तीनों के इकट्ठे आने से है या हम तीनों वहाँ पे होल्ड करने से पहले ये बताओ होल्ड करने से बोल तो ये ग्रुपिज्म ग्रुपिज्म की बात फिर बाद में करते हैं अबे मैं बता रहा हूँ तेरे को केओस हो जाएगा इस चीज से ये बता रहे हम लोग सारे केओस होगा मैं बताता हूँ अगर वो तीन फैमिली इतनी कैपेबल है ना कि वो सबकी हिट ले सकती है तो जाए हमने तो कबीर मैं बता रहा हूँ ना सुन देख तू ले सकता तू बोल रहा है ना सुन जॉन अभी तेरे को पलीटो पे बेचने से मना कर रहा है तुम तीनों को और ये मना कर रहा है सिप्रेस पे पर अगर तुम आते हो तो उसमें सब आएंगे और सिप्रेस में भी सेम है तुम तीनों के लिए अगर तुम आते हो तो तुम हर जगह सारे हर सेलिंग पे हर सेलिंग पे पलीटो वालों और एमजी या फिर एनर्जी के फर्स्ट ऑफ ऑल पलीटो को होल्ड नहीं कर रहा तो जस्ट टू क्लियर आउट नहीं अब कर रहे हैं अब बता दे कौन डिसाइड करेगा वो कौन डिसाइड करेगा वो आपसे बता दिया ह्यूमन लेवल जैसे 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 यू गाइस आर बीइंग इन अ यूनिटी वैसे ही वी ऑल सुनो सुनो पेट सुनो मैं मतलब यूनिटी यूनिटी सुन ले नहीं 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 लेट मी क्लियर फर्स्ट अभी क्लियर फर्स्ट Let me clear by unity, I mean you three are holding grape seed. मैं वो unity बोल रहा हूँ, not in unity as a whole. वहाँ पे कोई और भी होते, तुम भी आते हो वहाँ regularly, तुम्हें भी लेते हम साथ में. वहाँ पे पेंडेटर नाइन्डर से हम कर रहे थे. MG से बात क्यों नहीं की गई फिर? MG से बात. भाई, MG regular नहीं आती क्योंकि वो कसीनो. एक सेकंड. देख लिया कि तुम लोगों ने एक मिनट में कुछ बोल रहा हूँ. मैं कुछ बोल रहा हूँ. एक सेकंड. MG को कसीनो रूफटॉप पे वीड उगाने थे, इसलिए हमने नहीं लिया उन. मैं मेयर, डेप्यूटी मेयर, पीडी, ठीक है.
हम लोग उधर गए थे ठीक है, हम लोग ने उधर उसकी सॉइल के बारे में बात की थी मेयर से, हम लोग उधर गए थे बात करने के लिए ठीक है, और वो टाइम पे हम तीनों में से किसी ने उधर वीड नहीं उगाए थे, कोई बाहर की गैंग की या कोई सिविलियन थे, जगह तो दे वहाँ आके 150 वीड उगा के गए थे, और हम जो भी आ रहे थे उनको मना कर रहे थे क्योंकि वो टाइम पे सॉइल बहुत खराब हो गई थी, तो हमने ऑलरेडी सबको बोल दिया था कि उधर मत उगाओ, तो भी कोई बंदा आके 150 वीड उगा के गया, इस रीजन से मेयर ने 10 दिन के लिए वो जगह बोल रहा है कैसा है ना। और दूसरी बात, मेयर से मेरी बात हुई है, मेयर ने मेरे को ये बोला है कि जगह अनसिस हुई फिर भी पीडी वहां चेक करने आएगी एक वीक तक, फेयर ऑफ, तो तुमको क्या करना है तुम देख लो ठीक है, क्योंकि हमने हमारे जो हम सोचते हैं हम व्यू का सामान निकालते ठीक है, टमाटो वमेटो वगैरह ठीक है, हमने वो रीजन से वहां गए थे उनके साथ बात करने, और मेयर ने मेरे को क्लियरली बोला था कि जगह अनसीज होने के बाद भी वो जगह थोड़े दिनों के लिए चेकिंग पे रहेगी ठीक है, जब ग्रेवसीड अनसीज हो जाएगा देन यू आर गुड, ऑब्वियसली अभी तो होल्ड कर भी रहे हो तो वैसे भी उधर कोई कुछ नहीं करा बिकॉज इट सीज, बट जब अनसीज हो जाएगा देन वी सी हाउ थिंग्स आर, वही बोल रहा है सब आके बात करना, हम अच्छी डील देंगे तुमको, तुम लोग ये ग्रुप तीन अपने 10 बंदे लेके आ रहे हो, उससे अच्छा एक खुद ही आ जाते तुमको उगाना है, तो तुम भी वही कर रहे थे यार तीन लोगों के साथ, तो सेम थिंग, हमने किसी को मना कर दिया, मना कौन उगाता है कौन नहीं उगाता, आई थिंक मैंडम को मना किया था, अरे तो बट के लिए तो सारा ना बोला था, हीट ज्यादा आ रही है, ये बोला था अपने बंदे लेके आके बात कर, नहीं नहीं भाई मेरे को सुन सुन, वो सेम शेड में उगा रहे थे और ग्रेप सीड और सेलिंग करने के लिए हर नई फैमिली आके बोल रही है कि हम तो फैमिली है हम तो उगाएंगे, अभी नार्कोस है, नार्कोस वगैरह हैं, ये लोग आके एक लाइक कोई भी आएगा एक गैंग, चलो जीएसएफ को तुम क्यों लेके आए, क्योंकि हमने भी जीएसएफ को इतने टाइम से नहीं देखा ठीक है, बट जीएसएफ में हमको इतना पता है कि जो ओल्ड एलएमसी वाले हैं वो ज्वाइन किया है, मुझे बट हाँ ये जो फैमिली है दैट आर स्लोली डेवलपिंग, तो मैं उनको लाइक मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से आई एम गिविंग देम दैट टाइम टू एस्टैब्लिश, बाकी का पॉइंट ऑफ व्यू ऑब्वियसली बाकी के रिलेशन कैसे भी इफ दे ऑलरेडी एस्टैब्लिश इन योर आईज वो ठीक है, जस्ट फॉर मी आई एम गिविंग देम अ कपल ऑफ मोर डेज और कपल ऑफ मोर वीक्स जस्ट टू एस्टैब्लिश देमसेल्फ्स, टू कंसीडर देमसेल्फ्स प्रॉपर्ली टीएलएमसी, बिकॉज टीएलएमसी बहुत बार बन चुकी है, टूट चुकी है, सो दैट्स व्हाई वो टीएलएमसी के ऊपर ही आई हैव लाइक सर्टेन डाउट्स कि दे माइट नॉट रियली बी दैट सक्सेसफुल, बट ठीक है इफ दे आर ग्रेट फॉर देम दे वो उनके ऊपर है, तो अभी के लिए मैं उन दोनों गैंग्स को कंसिडर नहीं कर रहा हूँ, बाकी आई एम कंसिडरिंग एवरी फैमिली आउट हियर बिकॉज एवरी फैमिली हैज डन फॉर्म ऑफ डील सम फॉर्म ऑफ रेपुटेशन बिल्ड किया है दैट आई कैन कंसिडर देमसेल्व्स अ फैमिली, पानी पी ले और थोड़ा और कुछ बचाओ साले, नहीं इसीलिए बोला यार हमको पता है कौन सी फैमिली है, आके बात कर ले, हमारा कोई सीन नहीं ऐसा कि भाई पूरा करने ही नहीं देना, ऐसा नहीं है, डील्स के साथ उनको बेनिफिट्स भी मिलेंगे ना, ऐसा है ठीक है, इसी बात पे टॉपिक खत्म करते हैं, अभी तो 10 दिन वैसे भी वो बंदी है, उसके बाद गुड नाइट गाइस, और जिसको भाई ये वो अपना पिंकी का है भाई, अगर तेरे को उगाना है तो आ जाना बात करने ठीक है, उसको बात भी उगानी है, यू आर ऑलवेज वेलकम टू टॉक, पिंकी तो बैठी गंगा में हाथ धो रहा था, नहीं उगाएगी कोई बैठी गंगा में हाथ धो रहा था, मेरे को उगाना यार मेरे को इंटरेस्ट आ रहा है, वीडियो तो पीछे जाके करता मैं, ऑलराइट ठीक है, अबे वो ग्रेप सीड है केजीएफ नहीं है, आके सब भाई रॉकी भाई बन जाएगा, जय जेपी जय जेपी।